बीकॉम सेकेंड ईयर में आज सुबह मुझे लाइव आना था अपने ऐप पर commercity.in पर, लेकिन कुछ नेटवर्किंग फॉल्ट की वजह से हम अपने ऐप पर उस पर या उसका कह लीजिए पूरी तरीके से अभी वो पैनल वगैरह सेट नहीं हो पाया है। इस वजह से आपको लगभग हफ्ते 10 दिन मैं YouTube पर ही लाइव होकर के पढ़ाऊंगा आपको। आप डायरेक्ट YouTube पर हमारे साथ लाइव होकर के आ सकते हैं। मैं वैसे आपको मैसेज भिजवाना वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि YouTube से ही आपको लाइव होकर के डायरेक्ट बता दें। आज मुझे जो लेक्चर लेना था उस लेक्चर पर मैं आपसे बातचीत करने चल रहा हूँ। बीकॉम पार्ट टू में आपको ये पढ़ना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या सिलेबस है आपको जानना है। सब्जेक्ट में जैसे सबसे पहला सब्जेक्ट आपका कास्ट अकाउंटिंग है, ग्रुप का पहला पेपर कास्ट अकाउंटिंग। इसकी बुक जब भी आप खरीदिएगा तो डॉक्टर AK गर्ग साहब की बुक लीजिएगा, डॉक्टर AK गर्ग। दूसरा आपका स्टेट्स पर है, इसमें KL गुप्ता का नाम आता है सबसे ज़्यादा, KL गुप्ता, डॉक्टर KL गुप्ता। वैसे तो किताबें और भी हैं इस पर, लेकिन KL गुप्ता से बेस्ट कोई बुक है ना स्टेट्स की। IAS PCS CS CPT CMA सब पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको तीसरा पेपर जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो पुराने पेपर में आपका बिजनेस फाइनेंस था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इस पेपर में आपको ध्यान रखना है डॉक्टर HK सिंह की बुक आती है, पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। फिर से देख लें, पहली बुक का नाम है कास्ट अकाउंटिंग का डॉक्टर AK गर्ग साहब की, स्टेट्स आपकी डॉक्टर KL गुप्ता की है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या इसी को बिजनेस फाइनेंस भी बोलते हैं, अब पुराने जो सिलेबस वाले हैं इसको बिजनेस फाइनेंस कहा जाता है इस बुक को। वो लोग थ्योरी पढ़ते थे, आप न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों पढ़ेंगे, यानी बिजनेस फाइनेंस आपको एज ए न्यूमेरिकल अब देखना पड़ेगा। ये आपके तीन पेपर ऐसे हैं जो 100% न्यूमेरिकल है, 100, 100 और 100, यानी टोटल 300 मार्क्स का न्यूमेरिकल पेपर आपका हो गया। चौथा पेपर जिसको हम लोग बोलते हैं ऑडिट, ऑडिट अकाउंटेंसी की बात करता है। ऑडिट वाले जो पेपर आपके हैं वो चौथे पेपर पर हम उसको मैं बताने जा रहा हूँ कि आप पढ़ेंगे। चौथा पेपर आपका ऑडिट का होगा। और ऑडिट आप किसी डॉक्टर और इंजीनियर की नहीं लेंगे, ऑडिट CA संजय अग्रवाल जी लिखे हैं, संजय गुप्ता जिसको बोलते हैं, अग्रवाल जी नहीं, CA संजय गुप्ता की बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में सबसे बेस्ट बुक है आपके बीकॉम के सिलेबस लाइव। इसके बाद बिजनेस इन्वायरमेंट की बात आती है, तो इन्वायरमेंट आपका हिंदी इंग्लिश दोनों ऑथर चाहें तो रोजी जोशी का ले लीजिए आप, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, या हिंदी में RK सिंह साहब की ले सकते हैं आप ये। और लास्ट जो इस साल आपका कंपनी लॉ आपसे जोड़ दिया गया है, पहले यही कंप्यूटर और कम्युनिकेशन था, पुराने सिलेबस वाले इसको पढ़ते हैं कंप्यूटर और कम्युनिकेशन, आप जो न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट जुड़ रहे हैं ये कंपनी लॉ पढ़ेंगे। कंपनी लॉ डॉक्टर SM शुक्ला, या और इससे हाईटेक बुक पढ़ना CMA CS CA के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप MC कुच्छल साहब की बुक आती है, MC कुच्छल ये आपकी बुक आती है। बातों को फिर से हम लोग ध्यान रखें, कास्ट अकाउंट डॉक्टर AK गर्ग, स्टैट्स में डॉक्टर KL गुप्ता, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या बिजनेस फाइनेंस डॉक्टर HK सिंह साहब की। इसके बाद थ्योरेटिकल किताबों में ऑडिट है आपका CS है संजय गुप्ता की, इन्वायरमेंट रोजी जोशी है RK सिंह की, कंपनी लॉ आपको डॉक्टर SM शुक्ला MC कुच्छल की पढ़ना है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कास्ट अकाउंट में क्या सिलेबस है आपका, किस तरीके से कास्ट अकाउंट को आपको पढ़ना है। तो कास्ट अकाउंट का सिलेबस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कास्ट अकाउंट के सिलेबस को दो पार्ट में बांट लिया जाता है। पार्ट वन में प्रैक्टिकल टॉपिक देखना है कि कितने प्रैक्टिकल टॉपिक है, लेकिन पार्ट वन या टू पढ़ने से पहले आपको एक चीज पढ़ना पड़ेगा जिसको बोलते हैं हम लोग बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कास्ट अकाउंटिंग, या इसी को गोल्डन रूल बोला जाता है, गोल्डन रूल्स। इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा PDF में, आपको नोट्स भी दे दिया जाएगा जल्दी ही। लेकिन इस कंसेप्ट को अगर आप नहीं जानते हैं तो कास्ट अकाउंट आपको नहीं आता। जैसे फाइनेंशियल अकाउंट के तीन गोल्डन रूल होते हैं,
उसी तरीके से कास्ट अकाउंट के 10 या 11 गोल्डन रूल्स हैं जिसको आपको जानना ज़रूरी है। और इसको एक ही दो किताबें हैं, अलग अलग किताबों में कहीं 3 लिखा गया है, कहीं 4 लिखा गया है, कहीं 2 लिखा है। मैं आपको एक बार में ही पूरा, जितने गोल्डन रूल्स हैं एक बार में ही पूरा डिस्कस कर दूंगा, कोई दिक्कत इसमें होगी नहीं। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ कास्ट अकाउंटिंग आर गोल्डन रूल्स इसको बोलते हैं। इस पर टॉपिक जो आपको न्यूमेरिकल टॉपिक पढ़ना है, न्यूमेरिकल टॉपिक में जैसे यूनिट कास्टिंग है, यूनिट कास्टिंग ये टॉपिक आपका न्यूमेरिकल टॉपिक होगा, या इसी को बोलते हैं सिंगल आउटपुट कास्टिंग। सिंगल आउटपुट कास्टिंग सिलेबस का पहला न्यूमेरिकल टॉपिक है, यूनिट कास्टिंग और सिंगल आउटपुट कास्टिंग। दूसरा टॉपिक आपको मिलेगा इसी पर गोल्डन रूल पढ़ने के बाद, टेंडर प्राइस। टेंडर प्राइस आपका दूसरा टॉपिक होगा। फिर तीसरा टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा CRS। ये CRS क्या होता है, जैसे आपने 11th 12th में पढ़ा होगा BRS, बैंकिंग रिकंसलेशन स्टेटमेंट, उसी तरीके से कास्ट अकाउंट से, कास्ट अकाउंटिंग से जुड़े जो भी रिकंसलेशन स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं उसको बोलते हैं कास्टिंग रिकंसलेशन स्टेटमेंट। अभी मैं पढ़ाऊंगा बहुत डेप्थ में जा करके। टॉपिक आप जान लें यूनिट कास्टिंग, टेंडर प्राइस, अभी सिलेबस भी आपको दे दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है, कास्टिंग रिकंसलेशन स्टेटमेंट, ये बात आपको ध्यान रखना। फिर आपका प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट, कंस्ट्रक्शन से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपको पढ़ने हैं, और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसको 7 में आता है, तो फिलहाल मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ क्योंकि नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। यूनिट कास्टिंग, टेंडर प्राइस, कास्टिंग रिकंसलेशन स्टेटमेंट, चौथा टॉपिक मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, इसको आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के अकॉर्डिंग। प्रोसेस आर प्रोडक्शन अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट या इसी को प्रोडक्शन अकाउंट के नाम से हम लोग जानते हैं, प्रोसेस आर प्रोडक्शन अकाउंट। और स्टैंडर्ड कास्टिंग, स्टैंडर्ड कास्टिंग, स्टैंडर्ड कास्टिंग, ऑपरेटिंग कास्ट, ऑपरेटिंग कास्ट या इसी को सर्विस कास्ट बोला जाता है, जहाँ पर होटल वगैरह की सर्विस दिया जाता है, होटल ट्रांसपोर्ट ये सब चीज़ें। ये आपका 7 टॉपिक पूरी तरीके से न्यूमेरिकल है, 100% न्यूमेरिकल। यूनिट कास्टिंग या उसी को सिंगल आउटपुट कास्टिंग बोलते हैं, टेंडर प्राइस, कास्ट अकाउंट रिकंसलेशन स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग कास्ट, स्टैंडर्ड कास्ट, और ये आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट, ये सब का आपके 100% न्यूमेरिकल पेपर हैं। इसके साथ साथ हम आपको बता रहे हैं कि थ्योरी में क्या क्या आता है, ये भी आप जान लें इस वीडियो में। थ्योरी तो हम लास्ट में पढ़ाते हैं, पार्ट टू की बात है कि कास्ट अकाउंट की थ्योरी क्या है, थ्योरी ऑफ कास्ट अकाउंटिंग, कास्ट अकाउंटिंग में कौन कौन सी थ्योरी होती है इसको हमको आपको जानना है। जैसे तो सबसे पहले तो होता है इंट्रोडक्शन ऑफ कास्ट अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ कास्ट अकाउंटिंग, ये आपकी थ्योरी है, पूरा पूरा थ्योरी है, थ्योरी मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा। कास्ट, किसी चीज़ को बनाने के लिए कास्ट के 3 एलिमेंट्स माने जाते हैं बच्चों, मटेरियल, मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल, लेबर, इससे क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल, और अदर एक्सपेंस। जैसे मैंने आपको बताया होगा कि जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो जैसे बिल्डिंग आप बना रहे हैं तो बिल्डिंग को बनाते समय आपको मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंस, इसको ओवरहेड्स बोला जाता है, ओवरहेड्स, ये 3 एलिमेंट्स होते हैं कास्ट के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। तो इनको आपको तीनों को थ्योरेटिकली पढ़ना है, मटेरियल क्या है, लेबर क्या है, ओवरहेड्स के बारे में आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ लास्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बजट से जुड़ा है, बजट से बना है, बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल बना है, ये आपका लास्ट टॉपिक है। कहने का मतलब थ्योरी और न्यूमेरिकल मिला करके आपका ये 100% पूरा सिलेबस है कास्ट अकाउंटिंग का, जिसको मैंने आपको बताया। मैं एक बार फिर से बता दूं, आज की क्लास में मैं सुबह कुछ भी पढ़ाया नहीं था, मैं जैसे लाइव आना शुरू किया तैसे ही आपका पैनल वगैरह, उसमें जो मेरा ऐप बना है commercecity.in उसका कनेक्शन नहीं हो पाया, जो कि ड्यू टू द नेटवर्किंग फॉल्ट या और भी कह लीजिए, पानी वगैरह थोड़ा बहुत बरसने लगा, बरसात होने लगी, इस वजह से समस्या आई। और आपको एक चीज़ बता दें कि
ये जो क्लास आपकी चल रही है लाइव क्लास और फिजिकल क्लास में फ़र्क तो होता है, थोड़ा बहुत समस्या आती रहेगी। 100% अगर कोई चीज़ पाना है तो वो फिजिकल क्लास में ही पा सकते हैं आप, ऑफलाइन क्लास में ही पा सकते हैं। ऑनलाइन क्लास में 100% आपको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ 99% चीज़ें हम क्लियर करने का सच्चा प्रयास करेंगे आपके साथ जुट करके। तो मैं आपको फिर से बता दूँ, मैंने आपको कुछ बताया नहीं आज, केवल ये बताया कि कास्ट अकाउंट का सिलेबस क्या है, 7 टॉपिक उसमें न्यूमेरिकल हैं गोल्डन रूल को जानने के बाद, और 4 टॉपिक आपके पूरी थ्योरेटिकल टॉपिक। न्यूमेरिकल टॉपिक में पहला है यूनिट कास्टिंग और सिंगल आउटपुट कास्टिंग, दूसरा आपको मैंने बताया टेंडर प्राइस, तीसरा कास्टिंग रिकंसलेशन स्टेटमेंट, चौथा प्रोसेस आर प्रोडक्शन अकाउंट, पांचवा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, फिर ऑपरेटिंग कास्ट, स्टैंडर्ड कास्ट। ये आपके टोटल न्यूमेरिकल टॉपिक हैं। थ्योरेटिकल टॉपिक में मैंने आपको बताया थ्योरी में इंट्रोडक्शन ऑफ कास्ट अकाउंटिंग, मटेरियल कास्ट, लेबर कास्ट, ओवरहेड कास्ट, बजटरी कंट्रोल, ये आपका पूरा सिलेबस मैंने आपको बताया जो भी आपको। अब मैं कल आपको सुबह 8 से 9 लाइव होने वाला हूँ, आप YouTube पर ही मेरे साथ लाइव होइएगा लगभग 2-4 दिन 5 दिन जब मैं बता दूंगा। हालांकि ये YouTube का भी कनेक्शन हमारे एप्लीकेशन से ही है, ये जो भी YouTube कनेक्ट होगा हमारे एप्लीकेशन से ही होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी फ्री क्लासेज जो हम देंगे आपको वो YouTube पर लाइव होकर के दे देंगे, जब पेडअप वाली क्लास की बात आएगी तो हम अपने ऐप से उसको जो है कनेक्ट करके आपको डायरेक्ट उस पर देंगे। और इसी के साथ मैं आज अपना लेक्चर जो है विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।